कश्मीर में सेना को मिली खुली धमकी, खुलकर सामने आ गए आतंकी, सेना हुई आक्रामक, भारी जवानों की रहीसी इलाकों में हुई तैनाती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, चलिए इन खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों, पिछले 12 दिनों में सेना ने आतंकी और उनके मददगारों के ऊपर कमर तोड़ कार्रवाई करी है, जिसमें 13 खूंखार आतंकियों को उनके कमांडर समेत भारतीय सेना ने बिना टिकट के परलोक भेज दिया है। इसके साथ ही जितने भी आतंकियों के मददगार थे, जो अपने देश से गद्दारी करके आतंकियों की मदद किया करते थे, इसके साथ ही उनको अपने घर में रखना, उनको खाना खिलाना और या फिर सेना के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाना, इन सभी कामों में इन्वॉल्व थे। सेना ने इन सभी मददगारों को या तो गिरफ्तार कर लिया है या फिर सेना की क्रॉस फायरिंग के दौरान आतंकियों के साथ होने के चलते ही आतंकियों के मददगार उनके साथ ही परलोक भेज दिए गए हैं। परंतु कल दोस्तों, बीती रात TRF नामक आतंकी संगठन के जो सरगना है वो खुल के सेना के समक्ष आए और कश्मीर वाइट नामक ब्लॉग के माध्यम से सेना को धमकी दी है कि जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस के परिवार हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने से अपने बच्चों को नहीं रोक रहे हैं, इसलिए इनडायरेक्टली वो भी इस आतंकियों के सफाई के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए अब तक हम जम्मू कश्मीर पुलिस के जिन परिवारों को बख्शते आए हैं, अब हम उनका सफाया करना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, ये पहली बार है जब TRF नामक आतंकी संगठन ने इतना खुलकर सेना को धमकी दी है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सेना हमें रोक नहीं पाएगी, अब तुम्हारा खात्मा हम शुरू कर देंगे। दोस्तों, इसके पश्चात सेना हरकत में आ चुकी है और जितने भी रिहायशी इलाकों में सेना के परिवार वाले रहते हैं उनके खिलाफ सुरक्षा का घेरा और ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है। तो दोस्तों, एक बार फिर से घाटी में आतंकियों ने सेना को खुली चुनौती दी है। इससे पहले जब एक महीने पहले TRF ने सेना को चुनौती दी थी, उसके पश्चात सेना ने TRF नामक आतंकी संगठन के आतंकियों को चुन चुनकर ढेर किया था, जिसमें कई सारे कमांडर भी TRF के मारे जा चुके हैं। परंतु एक बार फिर से TRF ने कश्मीर में अपना सर उठाया है और सेना को खुली चुनौती दी है। खैर, वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और जब आतंकियों के सर पर मौत नाचती है तो वो सेना को धमकी देने लगते हैं। और TRF ने एक बार फिर से सेना को धमकी देके बहुत बड़ी गलती कर ली है और अब जम्मू कश्मीर में सेना बहुत ही आक्रामक हो चुकी है और इन आतंकियों का सर को चलने के लिए तत्पर है। दोस्तों, आप सभी इस टॉपिक पर क्या राय है, इन आतंकियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बस दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।